आप सबका फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात की इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुताबिक आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भवानी पाखी सोनाली अब करिश्मा से ये कहती हुई नजर आएगी कि सई कभी भी मेरी फेवरेट बहू बन ही नहीं सकती। उधर विराट यहाँ डॉक्टर पर अपना चेकअप करवाने के लिए सई के साथ जाएगा, जहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट आएंगी। डॉक्टर यहाँ पर सई और विराट को जानकारी देगा और कहेगा कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, विराट बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3-4 दिन में ये एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएंगे। ये सुनकर सई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन विराट नहीं। विराट यहाँ पर सई से कहता है कि हमें किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। विराट यहाँ पर एक्टिंग करता है बेहोश होने की, कभी सीने में दर्द होने की, और सई को ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और विराट को डांटती है। बाद में सई यहाँ पर रियलाइज़ करती है कि विराट एकदम ड्रामा कर रहा है और इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए सई विराट को छिपकली से डराती है। विराट यहाँ पर अपसेट फील हो जाता है और सई को डांटता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। सई भी यहाँ पर नहले पे दहला मारते हुए कहती है वही विराट सर जो आप मेरे साथ कर रही हैं ड्रामा। सई यहाँ पर इन्फॉर्म करती है अश्विनी को कि हम डॉक्टर के यहाँ से फ्री हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है विराट सर जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं मिलने पुलकित सर और दिव्यानी बहनी के यहाँ पर। यहाँ पर ये सुनकर के अश्विनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम लोग चले आओ। भवानी यहाँ पर करिश्मा को चिल्ला रही होगी कि तुम सई की मर्ज़ी से सई की फेवरेट खाना क्यों बना रही हो, वो भी इतना बेस्वाद वाला खाना जो सई को पसंद है। भवानी तभी यहाँ पर अनाउंस करती है सबसे कि सब सुन लो कान खोल कर के मेरी बात की, सई मेरी फेवरेट बहू कभी भी नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर अश्विनी आती है और कहती है कि बहनी मैं आपको बता दूं कि विराट और सई आज घर पर खाना नहीं खाएंगे, वो लोग बाहर गए हैं लंच करने और वो घर आते हुए लेट भी हो जाएंगे। पाखी ये सुनती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी अश्विनी जानबूझ कर के सबको ये ध्यान दिलवाती है कि देखो वो दोनों एक दूसरे के लिए कितनी केयर करते हैं। तभी वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन वैसे ख्याल तो आप लोग भी बहुत रखते हैं, तभी तो वो नहीं है यहाँ पर, तब भी आप सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो विराट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा पुलकित की बेटी यानी कि अपनी बहन की बेटी से मिलने के लिए। जैसे ही वहाँ पर सई और विराट पहुँचेंगे पुलकित उनका अच्छे से वेलकम करेगा और कुछ समय बैठने के बाद वो हरिणी से विराट की मुलाकात करवाएगा। विराट हरिणी को देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हरिणी कहती है कि ये कौन है। यहाँ पर सई उसको अपने पास बुलाएगी और कहेगी कि बेटा ये आपके मामा हैं। यहाँ पर हरिणी कहती है लेकिन ये तो मामा है, लेकिन इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो पहली बार ही हमारे घर पर आए हैं। ये देखकर के विराट खुद जाएगा उसके पास और कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारा मामा हूँ। हरिणी यहाँ पर विराट को फिर से मामा कहने से मना कर देती है, लेकिन विराट यहाँ पर कहता है कि देखो मैं भले ही तुमसे मिला नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मामा का भाई हूँ। यहाँ पर सई भी उसे यही समझाती है। हरिणी कहती है ये मामा के छोटे भाई हैं लेकिन ये तो एकदम ठीक है। यहाँ पर हरिणी को विराट और सई चेयर अप करने के लिए थोड़े गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देते हैं, जिसके बाद हरिणी फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो दिव्यानी के साथ मिसबिहेव करती है, जिसके बाद दिव्यानी इमोशनली वीक हो जाती है, विराट का हाथ पकड़कर रोने लगती है। उधर दिव्यानी कहेगी कि देखो यही करती है हमेशा मेरे साथ, लेकिन तुम्हें पता है वीरू मेरी बेटी का यानी कि हरिणी का बर्थडे आने वाला है जिसकी तैयारी हमें करनी है। हरिणी वहाँ से चली जाती है और दिव्यानी रोती रहती है हरिणी का बिहेवियर देखकर। सई और विराट यहाँ पर दिव्यानी को संभालने की कोशिश करते हैं और पुलकित भी यहाँ पर इन दोनों का साथ देता है। तभी पुलकित थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। सई उसे हिम्मत देती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए जीजू, हरिणी एक दिन बहुत जल्द देवी ताई को एक्सेप्ट करेगी और उन्हें बहुत अच्छे से अपनी माँ का दर्जा भी देगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या हरिणी विराट को अपना मामा एक्सेप्ट करती है, क्या वो दिव्यानी को अपनी माँ के तौर पर अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाएगी। आप सबको क्या लगता है कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.